गरीब बहू रानी अनामिका जब बाजार से सब्जियां लेके घर जा रही थी, उसने देखा पोस्टमैन को एक बुजुर्ग महिला के साथ घर के सामने खड़े होकर बात करते हुए। ये देखते ही बड़े ही उत्साहित होकर उनके पास अनामिका आती है। अनामिका को देखते ही पोस्टमैन का चेहरा ढल जाता है। उनका ढला हुआ चेहरा देखकर अनामिका भी दुखी हो जाती है। पोस्टमैन भैया, मेरे भाई अरविंद जो अमेरिका में रहते हैं, आज भी उनकी कोई भी चिट्ठी नहीं आई ना। ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है बहन। इस तरह कहने पे ही अनामिका की आंखें भर आती है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं, पिछले 3 सालों से तुम अपने भाई को चिट्ठी लिखा करती हो। हर राखी में तुम उन्हें मिठाई भेजती हो, राखी भेजती हो, अचार भेजती हो, कपड़े भेजा करती हो। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। माँ का ममता मई प्यार और पिता का स्नेह, ये दोनों मैं उसे देना चाहती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मेरा भाई अरविंद तो एक मिसाल है, मिसाल। वो तो पता है, पर तुम्हारा भाई शायद तुम्हें पसंद नहीं करता। वो हर चीज के बारे में बात करता है, पर तुम्हें कभी नहीं उत्तर देता। बदले में कुछ भेजता भी नहीं है, कम से कम एक कार्ड तो भेज सकता है। पर हाँ, आप मेरे भाई से कुछ मत कहिएगा। पता नहीं वो बहुत दिक्कतों में हो, शायद इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। ये कहकर अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए अनामिका वहाँ से चली जाती है। अनामिका के भाई अरविंद जो कि अमेरिका में रहते हैं, थोड़ी दया कीजिए और अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखिए। यहाँ तो दिन का माहौल है, पर वहाँ रात होगी, सो रहे होंगे। इस तरह सोचकर वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ अमेरिका में अरविंद के घर पे अरविंद की पत्नी सुरेखा बिस्तर पे सो रही होती है। अरविंद को स्टोर वाटर की जरूरत थी। उठ के जाके देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो लाइट जलाता है। वहाँ पे कपड़े, राखी, मिठाइयाँ, अचार सब फेंके हुए थे। अरविंद जाके एक चिट्ठी उठा के वहाँ पढ़ने लगता है। प्रिय भाई अरविंद, तुम्हारी बहन अनामिका भारत से बहुत ही स्नेह के साथ ये 100वां चिट्ठी लिख रही है। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो इंडिया आके तुम मारो। अगर डांटना है तो फोन नंबर लिख दे रही हूँ, फोन करके मुझे डांटो। पर इस तरह से मुझसे बदला ना लो भाई। जितनी बार फोन की, भाभी ने फोन उठाया और कहा कि भैया आएंगे तो वो वापस तुम्हें कॉल कर लेंगे, और इतना कहकर वो फोन काट दी। मेरी सासू माँ को संदेह हुआ, भाभी तुम्हें बता रही है कि नहीं। अब तो मुझे भी इस बात का शक हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है? एक बात कहूँ भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बहन के लिए बस भाई का प्यार चाहिए। बस इस भाई बहन के पवित्र रिश्ता के लिए मैं राखी बांध के इस त्यौहार को मनाना चाहती हूँ। इसीलिए नए कपड़े भेज रही हूँ, अचार भेज रही हूँ, तरह तरह के पापड़ भेज रही हूँ। इसे इस्तेमाल करना भाई। इतना पढ़ते पढ़ते अरविंद की आंखें नम हो जाती है, आगे वो पढ़ नहीं पाते। मेरी बहन अनामिका मुझे भूली नहीं, उसे गरीब ससुराल भेजा उसके लिए भी वो मुझे कभी डांटी नहीं। मेरी बहन खुद इंटर तक पढ़ी है, और 10th तक पढ़ा हुआ रमेश जो कि खेती बाड़ी करता है उससे वो चुपचाप जाके शादी कर ली। पर सुरेखा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस उसकी बातें सुनके मैं अपनी छोटी बहन अनामिका को गलत समझा। वो फोन नहीं करती है सोचकर मैंने फोन करना छोड़ दिया, पर वो मुझे फोन करती रही, चिट्ठियां लिखती रही। चिट्ठियों के साथ साथ वो राखियां भी भेजी। अब सुरेखा को सबक सिखाना ही होगा। इतना सोचकर वहां से वो बेडरूम में चला जाता है। तभी एक दिन अनामिका दीवार के पास खड़ी होकर कैलेंडर देख रही होती है। तभी उसके पति रमेश वहां पे आते हैं। क्या देख रही हो अनामिका? यही देख रही हूँ कि राखी कब है, मुझे अपने भाई के लिए राखी भी तो भेजना है। इतना कह ही रही थी तभी वहां पे सासू माँ शारदा आ जाती हैं। भेज दो बहू, तुम राखी भेज के अगर खुश हो जाओगी तो हमें भी तुम्हारी खुशी में खुशी है। इतना कहकर शारदा अनामिका को पैसे देती है। अनामिका पैसे ले लेती है। देखो बहू, इस पृथ्वी में हर रिश्ते में एक जादू है। जो लोग इस रिश्ते को समझते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बचा के रखे। इसीलिए अगर भाई जवाब ना भी दे तो इस बात को लेकर दुखी मत होना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर रमेश और शारदा खेत की तरफ चले जाते हैं। उधर अरविंद और सुरेखा के बीच अमेरिका में जोरदार लड़ाई चल रही थी। उधर मेरी छोटी बहन अनामिका ने भाई के प्यार स्नेह को पाने के लिए कितनी चिट्ठियां लिखी, उसने कितनी बार मुझे फोन किया, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उल्टा उसके बारे में तुमने क्या क्या नहीं गलत बातें की,
मिर्च मसाला लगाकर मेरे मन में उसके खिलाफ नफरत भर दिया। क्योंकि मुझे पता है जो भी आप कमाते हैं सब उसी पे ले जाके आप उड़ा देंगे। उसकी शादी करा दी, अब कंधे से बोझ उतर गया। अब पैसे भेजना, खर्च करना, वो सब मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनते ही अरविंद गुस्से से सुरेखा को थप्पड़ लगाता है। अरे पागल सुरेखा, आज मैं जो यूएस आ पाया हूँ वो उसी की वजह से, और हाँ तुम जो इस तरह से जिंदा खड़ी हो ना वो भी अनामिका की वजह से। अपनी पढ़ाई छोड़कर अनामिका माँ पिताजी के साथ मजदूरी की, आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी की वजह से। पर मैं जिंदा हूँ उसके पीछे अनामिका का हाथ कैसे? अनामिका की शादी कराने के बाद हम अमेरिका लौटी रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें खून की जरूरत पड़ गई। उसी वक्त अनामिका के खून के साथ तुम्हारा खून का मैच हो जाता है, अनामिका तुरंत आके तुम्हें खून दी। ये सुनते ही सुरेखा जोर जोर से रोने लगती है। माफ कर दीजिए, अभी हमें अनामिका के पास जाना होगा, मैं उसके हाथ पैर पकड़ के पहले माफी मांगूंगी। फिर अरविंद और सुरेखा तुरंत फ्लाइट पकड़ के इंडिया लौट आते हैं। अरविंद और सुरेखा अगले दिन अनामिका के घर पे आते हैं। अनामिका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। अनामिका के सास ससुर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी वहाँ पे बैठे थे। माफ कर देना बहन, शादी देने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये भाई बहन का नहीं, ये तो खून का रिश्ता है, इस रिश्ते को इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में तुम्हारी भाई की गलती नहीं है, सब गलती मेरी है अनामिका। सुरेखा रोने लगती है। ये सुनकर शारदा, अब ये हमारा परिवार है, कल रक्षाबंधन है, ये सब भूल जाओ। उस रात सभी बैठ के खुशी खुशी बातचीत करते हैं। फिर अगले दिन राखी पूर्णिमा, अरविंद चेयर पे बैठता है, अनामिका आके खुशी खुशी राखी बांधती है। अरविंद खुशी से अनामिका को सोने का चेन देता है। मुझे सोना नहीं चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए, मेरे बच्चों के मन में मामा के लिए सम्मान चाहिए, बस इतना ही। ऐसा ही होगा, अरविंद अनामिका को वादा करता है। इस बात से सब खुश होते हैं। आज की कहानी यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। रात के 8:30 बज चुके थे, बस स्टैंड पे कोई नहीं था। शारदा अपने कंधे पर एक बैग रख के चारों तरफ वो देख रही थी। अगर कोई साथ देने आ जाता तो बढ़िया होता, इतनी बड़ी रात में मैं अकेले कैसे रहूंगी, किसी को आना चाहिए। इस तरह वो सोची रही थी, तभी एक महिला हैंडबैग लेकर बस स्टैंड में आती है। फिर शारदा अपने काम पे लग जाती है। सुनिए ना, आपका फोन थोड़ा मुझे देंगी, मैं अपने पति को फोन करके बता दूंगी कि आने में थोड़ा देर हो जाएगा। आपके पास फोन नहीं है आंटी? अगर होता तो मैं पूछती क्या, अपने फोन से ही मैं फोन कर लेती, नहीं था इसीलिए तो मांगा। अगर तुम नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कहकर शारदा दुखी चेहरा बना लेती है। जल्दी से वो महिला अपना फोन दे देती है। शारदा फोन पे बात करती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, काम के वहाँ मैं थोड़ी लेट हो गई, इस पे आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे रोने का मन हो रहा है। शारदा बात करते करते रोड पार करके जाने लगती है। उधर वो महिला अपना बस देखने लगी, क्योंकि उसे जाना था, उसने गौर नहीं किया। थोड़ी देर में ही बस आने पे वो महिला शारदा को ढूंढने लगती है। तब आसपास शारदा नजर ही ना आए, वो महिला घबरा जाती है। मेरा फोन कहते हुए वो चारों तरफ देखती है, पर शारदा उसे कहीं नहीं दिखती। वो समझ जाती है कि शारदा ने उसे ठगा है। फिर जो बस आई थी उसमें जाके वो बैठ जाती है। फिर करीबन जब रात के 9 बज रहे थे, शारदा अपना हैंडबैग लेकर मोबाइल की दुकान में जाती है। शॉप का मालिक अमर शारदा को दीदी दीदी कहा करता था। क्या शारदा दीदी, आज आप देर हो गई, मुझे लगा आप नहीं आएंगी। हमेशा एक बात याद रखना अमर, अगर मैं फोन नहीं करती हूँ तो मैं जरूर आऊंगी, और अगर करती हूँ मतलब नहीं आऊंगी। ठीक है दीदी, आज आप कितना लाई हैं? कितना है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, मैं उनसे लेती हूँ और बैग में डाल देती हूँ, फिर दूसरी जगह चली जाती हूँ, यही तो मेरा काम है। इतना कहकर वो सारे मोबाइल फोन अपने बैग से निकाल के अमर के सामने रख देती है। टोटल 10 मोबाइल फोन थे। अमर उन्हें देखता है। दीदी आज आपने बहुत मेहनत की है, ढेर सारा फोन लाई है आज आप। मुझे पैसों की जरूरत है अमर, जरा देख के पैसे दे दो। ठीक है दीदी, एक फोन का मैं 3,000 दूंगा, 10 का 30,000 हुए। इतना कहकर अमर शारदा को 30,000 रुपए दे देता है। कल मैं चोरी करके और ज्यादा फोन ले आऊंगी। ठीक है दीदी। इतना कहकर शारदा पैसे लेती है और वहाँ से ऑटो में बैठकर घर जाने लगती है। उधर गेट के पास खड़े होकर
प्रसाद शारदा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ही ऑटो आके घर के सामने रुकती है। शारदा ऑटो से उतर के ऑटो वाले को पैसे देती है। जैसे वो चला जाता है, शारदा प्रसाद एक दूसरे को देखते हैं। बहू कहाँ है जी? ऑफिस से आके ही कहीं निकल गई। छोटे बड़े का फर्क ना करते हुए मैं हर चीज चोरी करती हूँ, फिर उसे बेचकर वो पैसे बहू को देती हूँ, और बहू उन सारे पैसों को खर्च करने में लगा देती है। हाँ शारदा, वो महंगा सोफा खरीदी है, 60 इंच का टीवी खरीदी है, उसके साथ म्यूजिक सिस्टम, बड़ा सा फ्रिज, और तो और महंगी महंगी साड़ी भी। ये सब खरीद रही है और अमीर कह रही है, कहाँ से अमीर समझ नहीं आ रहा है। आज जो तुम चोरी के पैसे लाई हो वो जाके बहू को दे दो और कहो जो चाहे खरीद ले, और उससे ये भी पूछो कि इससे ज्यादा अमीरी किसे कहते हैं। फिर देर ना करते हुए शारदा बेटे और बहू के कमरे में जाती है जहाँ पे वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। अनामिका के हाथों में पैसे थे। इन 25,000 से मैं क्या करूँगी तुम्हें बताओ रमेश? ये 25,000 रुपए तुम्हें बहुत मामूली लगता है अनामिका, तुम्हें पता है कितना खून पसीना एक करना होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे कहानियाँ नहीं सुननी है रमेश, बस नोट चाहिए नोट। मैं अमीर, बहुत अमीर होना चाहती हूँ। मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए, पूरा बदन जेवर से भरा हुआ, महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए। जी जी, ऑफिस में बॉस काम काम करते रहते हैं, घर आओ तो तुम पैसे पैसे करती हो, मुझे तो कहीं शांति ही नहीं मिलती, कहकर रमेश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शारदा की आंखें भर आती है। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर चोरी की कमाई 30,000 रुपए बहू के पास ले जाती है। उन पैसों को लेकर अनामिका बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर शारदा काफी देर तक अनामिका से बातचीत करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन अनामिका वंदे भारत ट्रेन से नीचे उतर के सेल्फी ले रही होती है। शारदा चेहरे पे मास्क लगाई हुई थी, उसे फोन दिखा। ये फोन बहुत महंगा दिख रहा है, बेचूंगी तो 5,000 मिलेंगे। इतना कहकर वो अनामिका के हाथ से फोन छीन लेती है और वहाँ से भागने लगती है। अनामिका को जब होश आता है तो वो चिल्लाती है, चोर चोर, उसने मेरा फोन चुराया है, उसे पकड़ो। इस तरह चिल्लाते हुए वो शारदा के पीछे पीछे भागने लगती है। जब शारदा रेलवे स्टेशन पार कर रही थी तभी 2-3 आदमी आके उसे पकड़ लेते हैं, फिर वो उन्हें पीटने लगते हैं। जैसे अनामिका आके उसका मास्क हटाती है तो देखती है ये तो सासू माँ है। उसके होठ फटके खून निकल रहे थे, मार खा के उसका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था। बहू अनामिका शारदा को इस तरह देखकर आश्चर्य हो जाती है। सासू माँ, आप यहाँ, आप चोरी कर रही हैं। अब क्या करूँ बहू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी अमेरी की वजह से, ताकि तुम मेरे बेटे को छोड़ के अलग ना हो जाओ और ना हमें उससे अलग होना पड़े। इतना कहकर शारदा अनामिका का हाथ पकड़ लेती है। देखो बहू, जिस दिन तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें देखा था तो यही कहा था, हमारी घर की लक्ष्मी, बहू हो या बेटी हो, अनामिका ही होगी। हम इसीलिए चाहते हैं कि तुम्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। उनकी ये बातें सुनके अनामिका रोने लगती है। तुम्हारे अमीरीपन का पागलपन देखकर हम डर गए थे, कहीं तुम हमसे दूर ना चली जाओ, इसीलिए मैं सेलफोन चोरी करने लगी और उसी को बेचकर तुम्हें पैसे देने लगी। सासू माँ की ये बात सुनकर अनामिका समझ जाती है कि सासू माँ को अनामिका से कितना ज्यादा लगाव है, वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर ये सोचकर, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मुझे अमीरी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, आप इस तरह चोरी मत कीजिए, जो कुछ हमारे पास है हम उसी से खुश रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर वहाँ से सास बहू दोनों मिलके अपने घर के तरफ रवाना हो जाती है। तब से अनामिका खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। जो कुछ रमेश कमा के ले आता है उसी से वो संतुष्ट होती है, और इस तरह उसके सर से अमीरी का भूत भी उतर जाता है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।